अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज हम ज़बरदस्त व्लॉग लाए हैं एक शादी का, और ये हमारे अपनों में थी तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करूं। बहुत ही अच्छी शादी थी। तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने वही जो होता है फायरवर्क्स किए, और घर में इन्होंने एक ढोलक का एहतमाम रखा मेहंदी से एक दिन पहले, और जो करीब की मिलने वाले थे उनको उन्होंने इनवाइट किया, तो घर में एक ढोलक अरेंज कर ली इन्होंने। और जी आपको पता है ढोलक पे तो सारे वही गाने गाए जाते हैं जो कि जाने कब से चले आ रहे हैं, और बहुत ही शोर लगा, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, और फायरवर्क साथ साथ चल रहे थे। और जनाब बड़े चाव से इन्होंने मेहंदी का जो सामान है वो रखा ढूंढ ढूंढ के, और ये इनकी मोहब्बत है और ज़ौक है जो इन्होंने इस किस्म की अच्छी चीज़ें ढूंढ के रखी मेहंदी के आइटम के लिए, क्योंकि मेहंदी में यही कुछ रखा जाता है। चूँकि हम खाना वाना खा के आए थे तो यहाँ पे हमने जस्ट चाय ली, और घर को भी अंदर से इन्होंने किसी हद तक सजाया हुआ था। मुझे तो ये आइटम बहुत अच्छे लगे। और उसके बाद नेक्स्ट डे प्रॉपर मेहंदी थी ऑफिशियल, और उसमें तो लाजमी बात है अच्छे तरीके से सभी बन संवर के आए थे, अच्छी अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी, और महफिली मौसीकी का भी एहतमाम इन्होंने कर रखा था, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने घर में ही सारी अरेंजमेंट रखी हुई थी। और अब मेहंदी जो है वो अंदर लाने की तैयारी हो रही है, और बंदे बराबर किए जा रहे हैं ताकि सबकी एंट्रेंस एक साथ हो अच्छे तरीके से।
और ऐसे मौक़ों पे लुट्टी तो की ही जाती है, जब मेहंदी कथाल तो सारी चीज़ें अंदर आ जाएं, तो फिर बड़ा हो कि छोटा हो वो लुट्टी ज़रूर करते हैं। और लुट्टी का भी एक अपना ही मज़ा होता है, एक अपनी तरफ से खुशी का इजहार होता है और महफिल में रंग लग जाता है। और एक दस्तूर ये भी है कि दूल्हा के माँ बाप को गिफ्ट्स दिए जाते हैं, मिठाइयाँ, जूसेस और सूट्स वगैरह, तो ये भी एक कल्चर का हिस्सा है। मुझे नहीं पता, कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। तो फायरवर्क्स भी जारी और सारी थे जब तक महफिल जारी रही, उनका भी अपना ही एक मज़ा होता है और अंदर तो वैसे ही अच्छा खासा माहौल था, गपशप, म्यूज़िक, डांस, ईच एंड एवरीथिंग। दूल्हा को मेहंदी लगाई जा रही है, मिठाई खिलाई जा रही है और पैसे वारे जा रहे हैं, तो और ढोल वाले भी आए हुए थे। हर एक चीज़ बहुत ही सुपर्ब थी, बहुत अच्छी थी। और जो दूल्हा के फ्रेंड्स थे वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, पैसे भी निछावर कर रहे थे दूल्हे पे, और जो गाने बजाने वाले हैं उनके तो मज़े हो गए पैसे उठाए जा रहे थे। और बस इसमें टोकरी में कुछ गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, फूल होते हैं जो सब में बांटे जाते हैं, और प्लस दूल्हा को भी इसी तरह से सजाया जाता है अगर वो चाहे तो और आप देख सकते हैं खूब ही खुशी का इजहार हुआ। और इंशाल्लाह इसकी एपिसोड बाकी है,
दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में।